नमस्कार दोस्तों। तो ओप्पो अपने के सीरीज के अंदर एक फोन को लॉन्च करने वाला है जो कि है ओप्पो K10 स्मार्टफोन, और इसका सारा स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुका है और एक्सपेक्टेड प्राइसिंग भी निकल के आ चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंडिया तबिया कौन समझ में आने वाला है, चलिए वीडियो को शेयर करता हूँ। दोस्तों ओप्पो अपना K10 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च करने वाला है और इसका लॉन्च होने वाला है 23 मार्च को फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर। यह फोन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे लेवल का होगा, जैसे कि रेडमी या फिर रियलमी या फिर अदर कंपनी जो बजट सेगमेंट का फोन लॉन्च करती है उसी हिसाब से ओप्पो भी एक फोन लॉन्च करने वाला है अपने के सीरीज के अंदर, जिसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होगा और प्राइसिंग काफी कम रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो ओप्पो का K10 स्मार्टफोन है ये लॉन्च होने वाला है 23 मार्च को और इसका फुल स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुका है ऑफिशियल तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फोन का स्पेसिफिकेशन किस टाइप से है और क्या हो सकता है प्राइसिंग इसके बारे में भी। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन आप जो ओप्पो K10 स्मार्टफोन है ये देखने में कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ वो देख पा रहे। इसका जो लुक है वो काफी इंटरेस्टिंग है और सिमिलर भी है, बिकॉज कुछ दिन पहले जो लॉन्च हुआ है IQ G6 या फिर Vivo का T15 स्मार्टफोन, सेम लुक के साथ ये भी आता है। लेकिन इसका जो कैमरा का डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है और कैमरा के बम्प में ही लिखा हुआ है ओप्पो K10, मतलब सिर्फ K10 लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। इसका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके से है, और अगर हम बात करें फ्रंट साइड से तो फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से है, जहाँ पर आपको देखने को मिलता है साइड पंच होल। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन क्या है इस फोन का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन डिस्प्ले का साइज है 6.5 इंच का और ये डिस्प्ले है LCD। उसको देखने को मिलेगा क्वालकम का स्नैपड्रैगन 680 जो कि एक 4G प्रोसेसर है, ये देखने को मिलेगा ओप्पो K10 स्मार्टफोन में। और हम बात करें कैमरा सेटअप का, तो यहाँ पर जो ओप्पो K10 स्मार्टफोन है इसमें देखने को मिलेगा 50 MP का AI triple कैमरा, जहाँ पर 50 MP का मेन कैमरा है, फिर 2 MP का माइक्रो कैमरा है और 2 MP का डेप्थ कैमरा है, और 16 MP का सेल्फी कैमरा है जो कि आता है साइड पंच होल के साथ, जैसा कि आप यहां पर देख पाओगे। तो कुछ इस तरीके से इसका कैमरा सेटअप है। उसके बाद ये जो फोन है वो आता है 6128 और 8128 वेरिएंट के साथ, और इसमें देने को मिलता है LPDDR4X का रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है। और ओप्पो K10 स्मार्टफोन में देने को मिलेगा 5000mAh का बैटरी और 33W का चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा, और ये फोन आता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 पर जो कि बेस्ड है ColorOS 11.1 पर। उसका ओप्पो K10 स्मार्टफोन में देने को मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट और 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है, और लुक एंड डिजाइन किस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर जो ओप्पो K10 स्मार्टफोन है यह दो कलर में लॉन्च होने वाला है, और कलर कौन कौन सा है आप यहाँ पर देख पाओगे। एक यहाँ पर ग्रीन कलर है जो थोड़ा सा ग्लो डिजाइन के साथ आता है, उसके बाद एक ब्लैक कलर है जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है इसमें कोई भी कलर ग्लो नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर ओप्पो K10 स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन जान लिया। वैसे ये फोन फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर लॉन्च होने वाला है 23 मार्च को। फोन काफी अच्छा है और स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छा है। अगर हम बात करें प्राइसिंग का, तो जैसा कि ऑफिशियल बताया गया था कि ये जो फोन है इसका प्राइसिंग काफी कम होने वाला है। सबसे पहले तो ये 4G फोन है, स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा है, और प्राइसिंग इसका पता जाता है कि अंडर 20K होगा, मतलब वही 17 या फिर 18 हज़ार के अप्रोक्स में को मिलेगा ओप्पो का K10 स्मार्टफोन। और यहाँ पर जो ओप्पो ने के सीरीज को लाया है इसके अंदर जो भी फोन होंगे उसका ज्यादा ऑनलाइन में ही सेल किया जाएगा, इसीलिए के सीरीज को लाया गया है जहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा हुआ और अदर ब्रांड को टक्कर भी दे पाएगा, ऐसा भी इसका मोटिव रहेगा, और प्राइसिंग भी काफी कम रहेगा। जिस तरीके से वीवो ने अपने T सीरीज को लाया उसी तरीके से ओप्पो ने K सीरीज को लाया है, जहाँ पर स्पेसिफिकेशन काफी अच्छा होगा और प्राइसिंग काफी कम होगा। तो आपने यहाँ पर इस फोन का फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में जान लिया। तो बस आज की वीडियो में ही बताना था, उम्मीद करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करके पूछो। धन्यवाद।